बिहार से बिलोंग करते हैं, पटना से। ओके, तो फिर सर्जरी के बाद कितने दिन के बाद जा सकते हैं, कब जाना है आपको? अभी 3 days। 3 days के बाद। ओके, सो बेसिकली जो है 3 days के बाद जाना, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर ये रिकवर तो हो जाएगा ना, मतलब? हाँ, रिकवर हो जाएगा। और अभी पेन भी हो गया सर्जरी करते हुए? हाँ? सर्जरी करते हुए थोड़ा बहुत पता चलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा। तो ये कब से स्टार्ट हुआ आपको? ये तो अभी रिसेंटली, मतलब इसका साइज इतना एक्सटेंड हुआ है, पहले तो बहुत छोटा सा था, छोटा माइन्यूट सा एकदम। ओके, तो आपको ये बताया किसने कि गायनेकोमास्टर बोलते हैं इसको? गायनेकोमास्टर किसने बताया? अभी थोड़ा सर्च करने पे। अच्छा, यूट्यूब पे देखा, गूगल पे देखा? नहीं, आप बहुत प्रसिद्ध है, मतलब हमारे साइड, मतलब ये जो होता है ना सर्जरी, ये सबके मामले में। हाँ। अब हमारे साइड बहुत प्रसिद्ध है, मतलब हम जहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते थे ना। हाँ। वो लाइब्रेरी में ही, मतलब फ्रेंड लोग से ये सब जानते वानते, मतलब। अच्छा, फ्रेंड नहीं बताया कि आप देखो, वो दो लोग के बारे में पता चला, एक कोई अमित काम का नाम था, बट फिर आपको जनरली आपका फिर देखने पता चला ना कि दोनों का वीडियो एनालिसिस करने पर। ये किसने बताया कि गायनेकोमास्टर है? गायनेकोमास्टर है वो। हाँ। पटना में एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने बताया। और ये साइड हमेशा शुरू से ही नॉर्मल थी? हाँ, ये हमेशा से नॉर्मल थी। ओके, ठीक है। सो इसमें हम देखते हैं, देखिए नॉर्मल चेस्ट और गायनेकोमास्टर में कैसा अपीयरेंस रहता है, ये क्लियरली यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे देखिए ये फोल्ड, यहाँ पे नॉर्मल फोल्ड है, ये देखिए कैसे यहाँ पे ये प्रोमिनेंट फोल्ड बना हुआ है। सेकेंड देखेंगे तो ये देखिए इतना बड़ा यहाँ पे ये एरिया जो है फुल हुआ है। यहाँ पे देखिए चेस्ट एकदम नॉर्मल है कोई, और अगर हम साइड से देखें तो ये देखिए पूरा बाहर की तरफ आ रहा है। सो एंड अगर हम इसमें फील करेंगे, यहाँ पे फील करेंगे तो कुछ भी फील नहीं होगा, यहाँ पे फील करेंगे तो बेसिकली जो है ये ग्लैंड जैसा फील होता है, गांड जैसा फील होता था आपको? ओके, और दिक्कत क्या आती है, मतलब क्यों कराना चाहते हो सर्जरी? क्यों करना चाह रहे? क्योंकि पेन तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेस होने पे होता, ठीक है? और दूसरी चीज ये कि ऐसा नहीं है फ्यूचर में जाके किसी तरीके का ये फिर से कोई प्रॉब्लम दे दे। ओके, है ना, तो ये लगता था। हाँ, और फिर एक ये भी है कि टी शर्ट पहनने पे थोड़ा अनकंफर्टेबल टाइप, मीन्स ऐसे एक साइड ऐसे रहा, एक साइड ऐसे बाहर, तो जो साइज दोनों का अनइक्वल था, तो वो लगता था कि टी शर्ट अभी बड़ी साइज ही पहननी पड़ती होगी, इसके साइज की पहननी पड़ती होगी, राइट? सो ये टिपिकल यूनिलैटरल वन साइडेड गायनेकोमास्टर है, जो भी काफी कॉमन है। सो अराउंड 15-20% में वन साइडेड भी हो सकता है, ज्यादातर दोनों साइड में होता है। तो इसमें मेन दिक्कत क्या होती है, एक साइड नॉर्मल है, एक एबनॉर्मल, तो ज्यादा अटेंशन जाती है, और बेसिकली इसमें ग्लैंड ही रहता है मेन कंपोनेंट, उसकी वजह से जो है ये इसमें पेन भी हो सकता है। एंड ये देखें जब हम प्रेस करेंगे तो बेसिकली, सो ये देखिए पूरा ये गांड जैसा फील होगा। सो ये ग्लैंड और टिश्यू है जिसकी वजह से जो है ये अजीब सा जो है बेसिकली पेन हो सकता है, एंड जिसकी वजह से ये परफेक्टनेस है। ठीक है, तो जब सर्जरी के वीडियोस वगैरह देखे तो डर लगा या कॉन्फिडेंस आया? कॉन्फिडेंस आया। मन बनाया फिर आपने कि अभी करना ही पड़ेगा? घर में कब बताया आपने कि? घर में अगस्त के टाइम। अच्छा, इतना टाइम पहले से ही प्लान था? हाँ। फिर करा क्यों नहीं पा रहे थे सर्जरी? क्योंकि एग्जामिनेशन थे हमारे। अच्छा, एग्जाम थे। हाँ। ठीक है। सो अभी हम जो है अंडर लोकल एनेस्थेसिया में पहले एरिया को नम करेंगे, एंड इसके अंदर जो ग्लैंड है वो कम्प्लीटली निकाल देंगे, एंड आप ट्रेवल कर पाएंगे, सब काम कर पाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डाउन टाइम काफी कम है, वन साइडेड ही है, सो रिकवरी भी थोड़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है।